हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हैं बच्चों, पेज नंबर 146 ओपन करिए। पेज नंबर 146 नीचे देखिए, मल्टीप्लाइंग अ पॉलीनोमियल बाय अ पॉलीनोमियल, और उसमें सब हेडिंग है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। तो पहले हम बाइनोमियल बाय बाइनोमियल पढ़ेंगे। आपकी बुक से हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल लेट अस से हमें एक बाइनोमियल दिया है 2a plus 3b, बोल रहा है मल्टीप्लाई 2a plus 3b बाय अनदर बाइनोमियल 3a plus 4b, 3a plus 4b, ओके बच्चों। सो ये वाले बाइनोमियल को हमको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। सो ये फर्स्ट बाइनोमियल है, ये आपका सेकंड बाइनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, बीच में यहाँ पे इंटू लगा देते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए करना कुछ नहीं बच्चों, आपको कैसे करना है मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म लीजिए भाई, 2a क्या है फर्स्ट टर्म है, 3b क्या है सेकंड टर्म है, ओके। यहाँ पर देखिए 3a क्या है फर्स्ट टर्म है, हाँ 4b क्या है सेकंड टर्म है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला जो बाइनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म ले लो, ले लिया और इंटू करना है, फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉपी कर लीजिए, बस दिस इंटू दिस ब्रैकेट, ओके बच्चों। यानी कि 2a इंटू 3a और प्लस 4b, उसके बाद क्या करना है, ये वाला प्लस आप कॉपी कर लो यहाँ पे, और अब आप 3b को ले लो बच्चों, ये 3b को आपने ले लिया और 3b को उठा के पूरे ब्रैकेट से आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, 3b इंटू क्या करेंगे 3a प्लस 4b, ओके समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है बच्चों, 2a को लिया और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट, 2a इंटू 3a प्लस 4b, फिर ये वाला जो प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ प्लस कॉपी करेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ माइनस कॉपी करेंगे, ठीक है ना। सो बहरहाल अभी यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ प्लस कॉपी कर लिया, अब हम क्या करेंगे 3a को उठा के, सॉरी ये 3b को उठा के हम क्या करेंगे ये सेकंड ब्रैकेट से कॉपी, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने 9.3 में सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद लाइक टर्म्स को हम पास पास ले आएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, अभी दो तीन क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा, परेशान ना होइए प्लीज, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए 2a अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 2a इंटू 3a, सो सबसे पहले क्या होगा 2a इंटू 3a, फिर ये वाला प्लस हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे जैसे 9.3 में करते थे, ओके बच्चों। फिर 2a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 4b के साथ, सो 2a इंटू 4b, ओके स्टूडेंट्स। फिर ये वाला जो प्लस है हम कॉपी कर लेंगे और 3b इंटू 3a, ओके सो 3b इंटू 3a और प्लस कॉपी कर लेंगे और 3b इंटू 4b, सो 3b इंटू 4b। नाउ स्टूडेंट्स आइए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना सभी बच्चों को आता है, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, a इंटू a कितना होता है a स्क्वायर, ये सभी बच्चों को पता है 9.3 में हम पढ़ चुके हैं, प्लस 2 4 का बच्चों कितना होता है 8 होता है, a इंटू b क्या होता है ab होता है, ओके वेरी गुड। नाउ 3 3 का 9 होता है स्टूडेंट्स, b इंटू a ba होता है, ओके b इंटू a ba होता है। अब ध्यान दें हम आपको बच्चों पहले ही बता चुके हैं कि BA का मतलब क्या होता है AB, चाहे आप BA लिखो या AB लिखो बात क्या है सेम है। इसका मतलब यह है कि 9BA को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर 9BA लिखा है तो इसको आप 9AB भी लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे इस बात का, तो 9BA को मैंने क्या लिखा 9AB, 3 3 3 3 जो 9 A इंटू B AB या B इंटू A BA, BA को हमने AB लिख दिया, प्लस 3 4 का बच्चों होता है 12 और b इंटू बी होता है बच्चों b स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आ गया 6a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 9ab और प्लस 12b स्क्वायर। नाउ इसको अब जब आपका ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों बाइनोमियल को, तो आपको ध्यान से देखना है क्या लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, उनको पास पास लाओ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ 6a स्क्वायर है, क्या कोई और a स्क्वायर का टर्म है, नहीं है, ठीक। फिर यहाँ ab है और यहाँ भी ab है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे टर्म्स हैं, ab यहाँ पर भी है ab यहाँ पर भी है, ओके बच्चों। सो क्या करेंगे इसको हम ऐड कर लेंगे, सो यहाँ से आ गया 6a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नाउ ये प्लस है यहाँ भी प्लस है प्लस 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 और साइन लगेगा बड़े नंबर का, सो 9 प्लस 8 कितना होता है 17, सो यहाँ से हो गया 17 और ab, करेक्ट, सो 17ab और प्लस का 12b स्क्वायर बच्चों यहाँ पर हमारा बच गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आप अपनी बुक से मैच भी कर सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 12b स्क्वायर, ओके स्टूडेंट।